ये जो हम मंडला की दोबारा मंडला पर आते हैं उसकी शेप पर आते हैं कि इसके अंदर हम काफ़ी फिगर्स को ड्रॉ करते हैं तो इन फिगर्स का कोई सिग्निफिकेंस है क्या बिल्कुल है हर एक फिगर का सिग्निफिकेंस है क्या, क्या क्या फिगर्स सबसे पहले तो हम लेते हैं देखो कॉमन फिगर्स आजकल आप बुद्धा ले लीजिए मेडिटेटिव फॉर्म में लोटस ले लीजिए दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट जो आपके सेवन चक्रास जो हमारी बॉडी के हैं उस पर बहुत मंडलाज बेस्ड हैं उसके अलावा आप फिगरेटिव में आजकल देखेंगे बहुत ही एनिमल्स पे बेस्ड मंडलाज बहुत आते हैं पीकॉक लॉयन एलिफेंट एलिफेंट तो बहुत ही कैम्बल एलिफेंट हॉर्स ये तो वास्तु के हिसाब से भी हमारे काफ़ी रेलिवेंट फिगर्स हैं सो so, आप फिगरेटिव मंडला पे बिल्कुल जा सकते हैं आप करते भी हैं बट आप किस तरीके से निकालते हैं अगेन दैट्स अ प्रोसेस आप उसको सिर्फ एक क्रिएटिव फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को उस तरीके से क्रिएट करेंगे अगर आप उसको इंट्यूटिव फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप अपने आप को बाउंड्रीज नहीं देंगे जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने आप आप मंडला बनाइए लेकिन उसको बाउंड्रीज सिवाय एक सर्कल के कुछ समझ दीजिए आप सिर्फ बनाइए तो हो सकता है उस इमोशनल फॉर्म में आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में कुछ झलक किसी एनिमल की है कुछ झलक किसी नंबर की है कुछ झलक किसी सिंबल की है सो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन इट मेक्स अ सेंस अदरवाइज लेकिन अगर आप डेलीबरेटली एक हाथी बना रहे हैं क्योंकि आपको हाथी अच्छा लग रहा है और देखने में बहुत सुंदर है और मुझे हाथी का आर्ट बनाना है तो देन इट डेव अ रिलीवेंस देन इट्स लाइक आपको क्रिएट करना है कुछ तो आप कर रहे हैं एक सुंदर तरीके से एक आर्ट बना रहे हैं लेकिन थेरेटिकली या जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एड एज मंडला एज अ क्लिनिकल एड वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा